हिमालय दिवस के इस अवसर पर गोष्ठी में शामिल हम सबकी प्रेरणा से देश के नहीं दुनिया में हिमालय और तमाम तरह की प्राकृतिक संपदा को बचाने के संघर्ष में उसमें इंसान का ही हक रहे उसके हम सबकी प्रणेता आदरणीय भगवान जी, मेरे साथी लोकसभा में विक्रम से हमारे साथी पी डी राय जी, हम सबके साथी जिनके साथ हम लोग उत्तराखंड के अंदर इन तमाम सवालों को लेकर चले, मेरे मित्र किशोर उपाध्याय जी, लंबे समय से इस संघर्ष की चिंता को जिला बहनी जोशी जी और इस ऑडियंस को उपस्थित सभी साथियों के लोग, मैं जाना नहीं कहना चाहता हूँ, आज हिमालय पर सबकी निगाहें हैं। मुझे भी दो दिन पहले हमारी पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा की थी जिसमें हम हिमाचल और उत्तराखंड के सारे सांसदों को बुलाया गया था, तो वहाँ भी मैंने कहा आज हिमालय में सबकी निगाह है, पर्यटन मंत्रालय की भी निगाह है, पावर मिनिस्ट्री की भी निगाह है, सबकी दुनिया के बड़े बड़े मल्टीनेशनल से लेकर हर तरह के लोगों की निगाह है, लेकिन पर्यटन मंत्रालय जो इस देश में दुनिया में भारत की सभ्यता संस्कृति को ब्रांड के रूप में देखना चाहता है, हम सब की चिंता है वो हिमालय अपने प्राकृतिक रूप में जिंदा रह गया है। मैं तो आज सांसद हूँ ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन सरोकारों से जिन जंगल की आंदोलन से मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ, आज आप सबको लग रहा है कि आज बहुत बड़ा संकट है। हिमालय से निकलने वाली जो विशेषकर मध्य हिमालय है, गंगा यमुना संस्कृति की बात इस देश में बहुत बड़ी कही जाती है कि भारत की सभ्यता संस्कृति का स्रोत इस देश में निकलने वाली हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जिसमें गंगा का अपना बड़ा महत्व है। इस देश की सभ्यता संस्कृति खेती करोड़ों करोड़ों के जीवन को देने वाले आज जो मूल ताकत है उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल वो और हिमालय से निकलेगी गंगा जमुना पर निकल, लेकिन हालत ये है कि सबके दृष्ट सबकी निगाहें इन्हीं पर केंद्रित है। आज हिमालय में तीन जो महत्वपूर्ण सवाल है, जल है, जंगल है, जमीन है, उसमें जंगल तो बचे जो हिमालय के भोगड़ा जी यहाँ पर है, हमारी बहनों के हमारे नौजवानों के उस संघर्ष में जिन्होंने हिमालय को बचाया। आज मैं अपने उत्तराखंड के हिमालय में देखता हूँ, अगर जंगल आंदोलन न चला होता जिसको अलग अलग नाम से चिपकू आंदोलन से बंदकाल आंदोलन से हम सब लोग जानते हैं, अगर वो आंदोलन न चला होता तो आज हिमालय के जो जंगल है वो न बचे होते, हिमालय के जंगल भी न बचे होते, देश के तमाम जो जंगल संपदा वो न बचे, क्योंकि उसी आंदोलन का परिणाम है कि इस देश के अंदर फॉरेस्ट के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाया गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू हुआ और आज जो वन संरक्षण अधिनियम है वो सबके गले की फांस। आज इस देश का तमाम मल्टीनेशनल हमारी सरकार है इस नियम में किसी न किसी तरह की ढील चाहती है, वो इसलिए भी ढील चाहती है कि आज उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ झारखंड में ये तमाम कोर जगह संपदा है उसमें सबकी निगाह है, उसको एक्सप्लॉइट करना है। और वहां त्रासदी इस देश की देखे कि जहां सबसे ज्यादा संपदा है वहीं सबसे ज्यादा गरीबी भी है, जहां हमारी सत्ता की माइटी पावर अपनी तमाम ताकत के साथ क्या क्या नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं ग्रीन हंट से लेकर क्या क्या हंट कर रही है, और सबसे कमजोर इस देश के लोग हैं जो ट्राइबल हैं उनके साथ स्टेट पावर जुड़ रही है, किसके लिए, क्या हम ट्राइबल के विकास के लिए नहीं है, जो मल्टीनेशनल से लेकर जो बिजली को पैदा करना चाहते हैं कोयला से वहां वो कोयला के लिए नजर लगाए हुए और हमारे हिमालय में हाइड्रो से नजर लगाए, तो ये तीन जो मुख्य चीजें जल जंगल जमीन में
जंगल खराब होता है, जिस देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ट्राइबल फॉरेस्ट अधिकारों का कानून, उसके एकीकृत कानून है, जो इस देश के लोगों ने, इस तमाम तरह के चिंतनशील लोगों ने, गांव के लोगों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने, ट्राइबल ने जो आंदोलन किया, उसके कारण पड़ा बचा। लेकिन दो जो दूसरी चीज है, जमीन है और जल, उस पर फिर निगाह है। आज उत्तराखंड की मेरे ख्याल से कोई नदी नहीं बची होगी जो आप सुरंगों में नहीं जाए। एक समय वक्त था कि हमने टीरी जैसे बड़े ग्रामों के प्रोजेक्ट को संभाला। आज पूरी दुनिया बड़े डैम के खिलाफ, और बहुत बहुत मैंने सुना है यूरोप अमेरिका में डैम को डीकमीशन किया जा रहा, तोड़ा जा रहा, और हमारे देश में अभी भी बड़े डैमों की विचारधारा से अभी भी हम लोगों ने पूरी तरह मुक्ति नहीं पाई, क्योंकि टिहरी से बड़ा डैम पंचेश्वर में अभी भी हमारे ऊपर लटका हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में जो पंचेश्वर डैम बना वो टिहरी डैम से भी बड़ा डैम। बड़े डैम के प्रति खैर चेतना है थोड़ा बहुत, अभी इतनी सरकार आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन जो दरिया टमरू में जाए 10-10-20 किलोमीटर हो, आज कोई उत्तराखंड की ऐसी नदी नहीं बची होगी जो टनल के अंदर बनी जाती। और सवाल है कि जब एक नदी टनल के अंदर चली जाती है, उसका प्राकृतिक जो नदी का जीवन है समाप्त हो जाता है। 20 किलोमीटर अगर नदी टनल के अंदर जाएगी तो उस 20 किलोमीटर के अंदर जो गांव प्रदेश आबादी है उनकी क्या स्थिति होगी, इस पर आप सबको विचार करने की जरूरत है। और सवाल है क्या बिजली को पैदा करने के लिए सिर्फ पानी है? जो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पानी ना हमारी देन है, ना हमारी सरकारों की देन है, ये नेचर की देन। कोई ईश्वर के रूप में मानता हो, कोई खुदा के रूप में माने, मैं उसको नेचर के लिए नेचर का गिफ्ट है, मानव को फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको उसी रूप में आए देती है। और इसी नदियों के अस्तित्व पर भारत की सभ्यता भी खड़ी, भारत की एग्रीकल्चर भी खड़ी। एक देश माया था, एक मैंने भी कहा पालन में कि नदियों को जोड़ दो भैया, बड़े बड़े हमारे देश के साइंटिस्ट भी राष्ट्रपति पद में भी बैठे हुए लोगों ने भी सुझाव दिया था। मैंने कहा बड़ा अच्छा सुझाव, नदियों में पानी नहीं है और नदियों को जोड़ने की इसकी मैं चल रही, ये पूरी तरह नेचर के खिलाफ विज्ञान के। अगर आप चाहते हैं इस देश में वैज्ञानिक, हमारी हम कहते भी हैं दुनिया में सबसे ज्यादा हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़े, विज्ञान में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी क्षमताएं आगे हैं, तो क्यों नहीं सोलर को हम टेक कर रहे हैं, क्यों नहीं विंड को हम टेक कर रहे हैं। हमने कोई टेक किया, हमारे लोग आज भी ट्रेडिशन कहते हैं कि लोग किसी भी अपने सब्जी से लेकर बहुत सी चीजों मीट को धूप में ऊर्जा का उपयोग करके छह छह घंटे आगे रखते, वो भी तो एक साधारण सा ज्ञान था। जिन लोगों किसान को हम अनपढ़ कहते हैं, अनगढ़ कहते हैं, विज्ञान के खिलाफ कहते हैं, उन्होंने भी अपनी साधारण बुद्धि से सूरज की ऊर्जा का उपयोग अपने खाद्य पदार्थों को आने वाले छह छह महीने तक प्रिजर्व करने के लिए उपयोग किया। आगे उसका क्यों नहीं करे, विंड एनर्जी का क्यों नहीं करे। शायद आज सोलर उसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है, तो हमारी पूरी क्षमता फिर आपको बिजली की जरूरत है, जरूर है, जरूरत है, विज्ञान को आगे बढ़ाना, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना। लेकिन जब विज्ञान हमारे सामने नए साधनों नए रूप में आ रहा है, तो हमको अपनी एनर्जी की जरूरतों को पानी से जाए कोयला से हटा करके, मैं न्यूक्लियर के बहुत पक्ष में था, लेकिन फुकुशिमा का जो जापान का उदाहरण, उसके बाद उसने भी मेरे विचार में नई सीरीज चलाई कि इस पर पीडी राय साहब है, मैं गया था ही पार्लियामेंट्री कमेटी के दौर में, मैंने तीसरा को देखा, उस तीसरा में भी अपनी गंगा से भी उसमें ज्यादा गंगा पवित्रता के रूप में दुनिया में जाना जाती होगी, लेकिन जो तीस्ता में जो वेग है, जो पानी है, जो बड़ी नदी है, और जो मैं वहां से निकल रहा था सिक्किम गंगटोक को, वहां पर मुझे अलग अलग जगह लोग बता रहे थे यहाँ पर भी हाइड्रो प्रोजेक्ट पर है। तो भैया इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो हाइड्रो पावर से, जो जल से बिजली बनाने का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से मुक्ति इस देश को हो जाए, तब यहाँ की खेत में पानी नहीं, ना पेट को पानी, पानी का उपयोग निजी रूप से करते हुए इस देश की एग्रीकल्चर के लिए है और इस देश के पेयजल के संकट के लिए।
और ये दोनों हिमालय की यही त्रासदी है कि ना हमारे वहां पेयजल का पानी है, न खेत सिंचाई के लिए पानी है, नदी हमारे सामने से गुजर रही है और आने वाले समय में अगर नदियां इसी तरह विलुप्त होने की हो जाएंगी तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल के सामने सबसे बड़ा संकट है। तब क्या होगा, आज से 20 साल बाद, आज से 50 साल पहले हमने भी सुनते थे कि सरस्वती एक रूपी नदी है इस देश के बीच में, अब विश्वास होने लग जाता है लोग कहीं ना कहीं सरस्वती रही होगी और इसी मानव की अदूरदृष्टा के कारण आने वाले फ्यूचर को ठीक से न समझने के कारण सरस्वती इतिहास के काल में चलेगी लोगों, लेकिन लोगों के विचार में आज भी जिंदा है। कहीं गंगा जमुना तिस्ता हिमालय से निकलने वाली नदियों का भी यही हाल सुना हो, इस पर हम सबको सुसम। उसी तरह से जमीन का एक सवाल है, हिमालय से ही मिट्टी बहकर इस देश की जमीन की टॉप फाइव को बना, उस पर भी संकट है, उस पर ज्यादा नहीं कहना था कि मैं, क्योंकि मुझे जल्दी इसलिए थी कि मुझे अल्मोड़ा पहुंचना कल एक कार्यक्रम है, बारिश यहाँ की बारिश को देखते दिल्ली में जैसे दिल हमेशा धड़कन आ जाता, पता नहीं क्या त्रासदी हो, हमारा तो नेचर हो गया, हमारी प्रकृति में आ गई, तमाम तरह की आपदाओं को हमने झेलना है, हमारी आपदाओं को झेलने के लिए कोई लोग तैयार भी है या नहीं है इस पर अभी पूरी तरह से। वैसे हम लोगों में फ्री राय जी आप सबको वाला सरकारों से विक्र की हिमालय के प्रति नए दृष्टिकोण चिंतन की आवश्यकता, सरकारें उस मामले में कुछ आगे भी बढ़े, पानी कमीशन भी कह रहा है कि माउंटेन के संदर्भ में हम लोग उस नए सिरे से विचार करें, लेकिन मुख्य है कि हिमालय में आने वाली जो संप्रदाय है इन समुदाय जो प्राकृतिक है नेचुरल है, हमारा कहीं योगदान उसमें नहीं है, जो खुद प्रकृति ने ईश्वर ने हम सबको दी है उनको अगर भविष्य के लिए संरक्षित नहीं की गई तो आने वाले संदर्भ में बहुत बड़ा संकट हिमालय में आने वाला। और हिमालय के लोग तो जैसे ही दिल्ली में आप इस बरसात से परेशान होते हैं कि सड़कों में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, अपने मोटरसाइकिल से स्कूटर को कहाँ ले जाए, हमारे तो है कि पता नहीं क्या होने वाला, कितने घरों में दबाई आने वाली है, परिवार में दबाई नहीं, कितने दिन हिमालय का संकट हमारे वहां से जुड़े। आज पूरे हिमालय के उसमें सड़कें बन रही है, उसके प्रति कोई वैज्ञानिक सोच हमारे पास, हम डायनामाइट का भी उपयोग करें कुछ भी करें, लेकिन हमारे मैंने टीजीएम में निकाल लोगों ने कहा टीजीएम में किशोर जी जहाँ पर डैम का वापर है उसके बाद एकदम जमीन को उन्होंने पहाड़ को कुछ प्लेटिंग की हुई है, मैंने उनसे पूछा ये क्यों की, उन्होंने कहा ये स्लाइड को रोकने के लिए की गई है, लेकिन फिर क्या यहाँ तो है, लेकिन इसको कहीं किसी भी एरिया हम उत्तराखंड राज्य में चाहे सेंटर की सड़क हो या केंद्र की सड़क हो जो स्लाइड हमेशा आ रहा उसको रोकने के लिए इसका उपयोग करते हुए नहीं देखा गया, बताया गया कि ये बहुत ही खर्चीली टेक्नोलॉजी, तो इस देश में खर्चीली टेक्नोलॉजी तकनीक बड़े लोगों के काम आएगी और सिर्फ जो साधारण लोगों के लिए बहुत खर्च हो रहा है इसलिए उस खर्चीली टेक्नोलॉजी को सस्ती टेक्नोलॉजी करने के लिए हम अपने विज्ञान के अपने दिमाग को उपयोग करने के लिए हम बहुत ज्यादा भी उत्सुक नहीं, ये सारे हिमालय के संदर्भ में हम कुछ नए सिरे से सोचने की जरूरत है, हिमालय के एग्रीकल्चर के संदर्भ में हो, हिमालय के कंस्ट्रक्शन के संदर्भ में हो, हर तरह के हिमालय के पास उसमें नई तरह से नए दृष्टिकोण के साथ नई तकनीक के साथ हम सबको सुस्थापन करने की जरूरत है। और ये जो हिमालय पर पिछले साल से हम लोगों ने शुरुआत की है, अभी शुरुआत हुई है, हमेशा जो चीज शुरुआत होती है सुबह की किरण हमेशा प्रकाश हो जाती है लेकिन उसमें ताकत नहीं होती, लेकिन दोपहर में आते आते प्रचंड वेग बन जाती है। मैं समझता हूँ ये जो हम सब लोगों का प्रयोग है, जो हिमालय से जुड़े हुए लोग हैं, हिमालय के समर्थक लोग हैं, हिमालय के समर्थक का मतलब ये नहीं कि हिमालय में रहने वाले लोग, हिमालय इस देश में दुनिया में जहाँ भी जो हिमालय को सुरक्षित से रहना रखना चाहते हैं कि इस देश में दुनिया में मानव की सभ्यता संस्कृति जिंदा रहे, उन सब लोगों को कहे जो प्रयास करना कि प्रयास एक न एक दिन हम सबको सरकारों को भी सोचने के लिए बाध्य करेगी। जो जनता के स्तर पर जो आज हिमालय दिवस मन रहा है कल को सरकारी स्तर भी पर भी आएगा, क्योंकि सरकारी स्तर पर आने से एक प्रभाव ये पड़ जाता है कि सरकार अपने तमाम तरह की नीतियों में फिर नीतिगत परिवर्तन के लिए बदलाव करने के लिए बाध्य हो जाती है, सोचने के मजबूर हो जाते हैं। मित्रों मैं आपसे क्षमा चाहते हुए इतनी बातों के साथ, क्योंकि मुझे कल एक कार्यक्रम जाना, मैं यही मैंने अनिल जी ने कहा था, मैंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा अपनी
आप लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी से आप सब के जिस संघर्ष में हिमालय दिवस के संघर्ष में जो हम सब उग्राही चिंता में अपने सराकर को व्यक्त करते हुए मैं एक बार फिर यहाँ पर उपस्थिति कम है लेकिन ये उपस्थिति आगे के लिए बहुत बड़ी है। मुझे याद है कि 6-7-8 अक्टूबर 1974 में हम लोग जब नैनीताल में आए थे फॉरेस्ट की गिराई के दौरान अल्मोड़े से गाड़ी में बैठ करके हम सब 10-12 लोग थे। गिरिराज नेहरे वो हड़का बजा रहे थे शेखर पार्टी के बिजी लोग 10-12 लोग थे। नैनीताल की सड़क में जब गा रहे थे हिमालय को बचाना है तो लोग सोच रहे थे पता नहीं कौन पागल लोग आने हिमालय को बचाने के लिए। आज दुनिया के लिए हिमालय को बचा आज यूनो कह रहा है दुनिया की सारी सभी आज वो क्लाइमेट चेंज से लेकर बड़ी बड़ी एनजीओ इसमें आ गई है। इतनी दुनिया ऐसी आ गई पलट के आ गई लेकिन उस समय पागलों की जमात थी। तो ये उस बात का प्रतीक है अगर हम किसी परिवर्तन को नई श्री को सोचते हैं कम लोग आते हैं जब उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है तो सारी दुनिया आती। मैं आप सबको इस आयोजन करने के लिए विशेषकर किशोर भाई को अनंत जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हमारा प्रयास सफल रहेगा और एक दिन हिमालय बचेगा तो देश और दुनिया बचेगी। जय हिंद जय भारत। प्रदीप जी ने जैसे भी कहा जो हिमालय के सरोकार हैं और उनके लिए भवना जी के साथ और साथियों के साथ लगातार वो संघर्ष के लोग को आगे बढ़ाते रहे हैं तो मैं प्रदीप भाई का यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ पी डी राय साहब जो कि जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी जो हिमालय है उसको बहुत निकट से देखा है उसकी समस्याओं को समझाया है इसके लिए संघर्ष करते रहते हैं बैठक का एक कर्मकांडी महत्व भी होता है और उसमें गैर जानकार लोगों को भी बुलवा दिया जाता है उस कर्मकांड के चलते। मैं तो इस आयोजन में दरी बिछाने वालों में हूँ तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन मंच संचालक जब आदेश थे मैं इसमें दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहली तो ये कि ये जो हिमालयन यूनिटी मूवमेंट है ये हिमालय के इर्द गिर्द पूरी दुनिया में अगर सरोकार नहीं होगा तो हिमालय नहीं बचेगा। हिमालय को दुनिया का तीसरा ध्रुव कहा जाता है और वो बात अब वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से स्वयं सिद्ध दिख रही है कि अगर हम इस शब्द के तीसरे ध्रुव के क्या मायने हैं और इसको पूरी गहराई से नहीं समझेंगे तो हिमालय नहीं बचेगा और सृष्टि पर जीवन भी बचेगा या नहीं बचेगा ये निश्चित तौर पे कहना संभव नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी और के खिलाफ आमतौर से जितने भी अभियान होते हैं उसमें व्यवस्था केंद्र में होती है उसमें राजकाज चलाने वाले केंद्र में होते हैं। कुछ और अभियानों में जिनके हाथ में आर्थिक तंत्र होता है वो उसके केंद्र में होते हैं लेकिन हिमालय बचाने वाले में इस अभियान में इन ये सब तो केंद्र में है ही लेकिन हमको सबको अपने आप को भी केंद्र में रखना होगा क्योंकि जब राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उसके जो नायक थे आखिरी दौर के मोहनदास करमचंद गांधी उनके जो निकटतम शिष्य भी थे वो सरदार पटेल हों वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों वो इन सवालों को नहीं समझते थे। गांधी जी ने अपने लेखन में अपने आचरण में कि ये दुनिया हमारे लालच में अगर फंसेंगे तो बचेगी नहीं ये दुनिया सबकी जरूरतों के लिए पर्याप्त है लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती। गांधी जी के इस सूत्र वाक्यों को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो आमतौर से निजी स्तर पे बहुत सादगी का बहुत अनुकरणीय और बहुत आदर्शवादी जीवन जीता था उसने भी इसकी लगभग खिल्ली उड़ाई। व्यक्तिगत बातचीत में तो उड़ाई ही दस्तावेजों में भी अक्सर वो खिल्ली दिख पड़ती है।
और जो देश की आर्थिक नीतियां बनी, जो विज्ञान की नीतियां बनी, जो प्रौद्योगिकी की नीतियां बनी, वो सब हिमालय और हमारी प्रकृति और हमारे लोक ज्ञान को नष्ट करने वाली बनी। हमारा जो आधुनिक पश्चिम से आया हुआ ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तीनों के बारे में जो हमारा विश्वास था, वो वैसा ही था जैसा एक धर्म भीरु में अंधी श्रद्धा हो जाती है किसी भी चीज को लेकर। उसमें विवेक नाम की चीज नहीं थी। दुनिया को चलाने के लिए जहां आस्था चाहिए वहां साथ में विवेक भी चाहिए, लेकिन हमने आधुनिक ज्ञान विज्ञान को एक अंधी श्रद्धा से चलाया और उसमें अपने तमाम तरह के लोक ज्ञान को, चाहे वो इमारत बनाने का लोक ज्ञान हो, चाहे वो नदी नालों को संजो के रखने का लोक ज्ञान हो, चाहे वो मरुस्थल में तालाब के माध्यम से सिंचन का हो, रजत का जैसा अनुपम मिश्रा कहते हैं उसकी बूंदों को संजोने का लोक ज्ञान हो, इस तमाम लोक ज्ञान को या तो नष्ट किया या उसको हीन भाव से देखा, जिससे वो आज देखने में आज उसको फिर से खोजना पड़ रहा है। उसी तरह से खेती के बारे में हमारा ज्ञान लगभग नगण्य। उसी तरह से जो हमारे देश के आदिवासी हैं, उनकी जो समझ है प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में, उस समझ के बारे में हमारे में कोई रुचि ही नहीं है, जा हमारे में कोई विनम्रता नहीं है। अंधे पूरे दुनिया में जब सुनामी आई, हमारे हिस्से में जब आई सुनामी, तो आपको ध्यान होगा कि एक ही द्वीप समूह ऐसा था अंडमान निकोबार, जहां पे जंतुओं और पक्षियों के गतिशीलता को देख के वहां के आदिवासी भाग गए कि यहाँ अब सुनामी जैसा कोई प्रलयकारी चीज होने वाली है। और वो सब के सब आबादी बिना प्रिडिक्शन वाले औजारों के समझ के, और उन्होंने सबको अपने आप को बचा लिया। तो आदिवासी की जो प्रकृति से जुड़ाव है और जो समझ है, उसके बारे में हमारे ज्ञान विज्ञान प्रणालियों में इतना दम है कि हम उसको जानना भी नहीं चाहते। उस विनम्रता, उस ऐसे घटनाओं के बाद भी हमारे मन में कोई विनम्रता नहीं आती कि हम वैसे ज्ञान विज्ञान को समझें। हम हिमालय बचाने के बारे में ये गोष्ठी कर रहे हैं। कल मैं एक गोष्ठी में था जो मध्य प्रदेश का क्लाइमेट एक्शन का प्लान है, उस पर चर्चा के लिए गोष्ठी थी। उसमें तमाम वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री, सब मंत्री सदस्य सब लोग आए थे, और उसमें आयोजक मेरे साथी लोग ही थे, मैं भी आयोजकों में था। मजे की बात यह है, मैं अपना ये बात का थोड़ा और खुलासा करना चाहता हूँ कि इस आंदोलन के केंद्र में हम खुद और हमारा स्वयं शिक्षण ज्यादा है। हमारे जो काल बाह्य विचार है, अवैज्ञानिक ज्ञान में और विज्ञान में जो आस्था है, विकास के अवैज्ञानिकता में जो आस्था है, उसको हमें कैसे अपने से अपने भीतर से निकालना है। जैसे भूत पिशाच को उतारा जाता था, वैसे आधुनिक ज्ञान के कुछ भ्रम हमारे मन में, हमारे दिमाग में समा गए हैं। और वो सबसे बड़ा भ्रम ये है कि जो अमरीकी उपभोगवादी स्वर्ग है, तथा कथित स्वर्ग है, वो संभव भी है, वांछनीय भी है। ये सबसे बड़ा मिथक है जिसके कारण से हमारे नदी नाले, हमारा पर्यावरण, हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी, हिमालय सहित, वो खतरे में आ गई है। और इसके बारे में हम कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई कड़वी मामूली से भी जो कड़वी बात है वो सुनने को तैयार नहीं है, जो ईमानदार दुविधाएं हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारी मन स्थिति है, चाहे हम किसी भी विचारधारा के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। मैं आपको कल की इस बैठक का जिक्र कर रहा था, तो उसमें तमाम वैज्ञानिक जो सत्ता में नहीं है, जो किसी सत्ता के संस्थान के विज्ञान केंद्र में नहीं है, उनके सामने आप हल्के से भी बात करो लोक ज्ञान परंपराओं की, और ऐसे कहो कि खेती के अभी ऐसे बहुत से तरीके, जानकारियां
तकनीकें उपलब्ध हैं जिसमें ऊर्जा की खपत नहीं होगी, जिसमें पेस्टिसाइड नहीं लगाना पड़ेगा, जिसमें फर्टिलाइजर नहीं लगाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हमारी सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी खर्च होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के खपत के कारण ही हमने अपनी मुद्रा का पहले अवमूल्यन किया, उसके बाद 1991 की नीतियां भी हमने उस लिए की। तो उसके विकल्प के लिए हमारे यहाँ अभी भी जीवंत ज्ञान परंपराएं हैं, ये बात आप कहिए तो। तथा कथित विज्ञान और लोक विज्ञान आंदोलन के नेताओं को मैंने देखा है कि उनकी मजबूरी हो जाती है, सरकार बैठे या ना बैठे, नहीं नहीं वो सब ठीक नहीं है, उसको जांचना पड़ेगा, उसमें सामंती सड़न हो सकती है। अरे भाई, जाति तोड़ो आंदोलन आप चलाओ, उस पर बहस करो जाति के संस्कार पे, लेकिन समाज में पूरी दुनिया में विषमता के अलग अलग अभिव्यक्तियां होती है, हमारे यहाँ भी थी वो, और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज थी। उसके खिलाफ ही बहुगुणा जी खुद जो पर्यावरण के आज अगुआ पूरे दुनिया में प्रेरणा स्रोत है, किस तरह से इन्होंने उत्तराखंड में शिल्पकार जातियों के लिए कैसे प्रताड़नाएं सही है, कैसे इनको खुद कैसी चोट लगी थी, वो सब उत्तराखंड के साथी तो जानते हैं। तो एक मोर्चे की बात जब हो रही हो पर्यावरण और विकास के सवाल पे, तब दूसरे मोर्चे की बात उठा के कह देना कि नहीं नहीं ये तो बात अधूरी है, इसको तो जांचना परखना पड़ेगा। तो एक इस तरह का अंधा विश्वास हमारा आधुनिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी में है, ऐसा हकारत का भाव, अनास्था का भाव हमारी अपनी ज्ञान परंपराओं में है, जीने के तरीके के बारे में है। उसके लिए अब ये आवश्यक हो गया है कि हम इतने सूरज वाले देश में भी दिन में पहले के समय में ऐसे मकान बनाए जा सकते थे जिसमें आपको एसी की जरूरत नहीं हो, लेकिन अब हमको शहरों में कोई हॉल उपलब्ध नहीं होता जो बिना एसी के, जहां पर मीटिंग संभव हो। तो ये जो अंतर विरोध है, इन अंतर विरोधों के बारे में एक समझ बना के और नीति के स्तर पे इन चीजों को बदलवाने के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति चाहिए होगी, लेकिन उस राजनीतिक शक्ति के पहले हमको अपनी समझ बनानी होगी, एक साझे संगठन बनाने होंगे जो उस समझ के आधार पे आम जनता के बीच जाए, लोक संग्रह का काम करें, और उस लोक संग्रह के आधार पे जो लोक शक्ति खड़ी होगी उससे इस राज्य को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था बदलनी पड़ेगी। कल की बैठक कि मैं आपको फिर से बात कहूं कि वहां जो किसान आए थे, जो आदिवासी महिलाएं आई थी, वो सबसे अच्छा बोली कि पर्यावरण का जो सवाल है वो जब तक इन इन चीजों को नहीं बचाएंगे, कुएं को नहीं बचाएंगे, तालाब को नहीं बचाएंगे, नदी को नहीं बचाएंगे, तब तक हम, और उसी तरह से वर्षा आधारित खेती कैसे करनी होगी, क्या उसकी दिक्कतें हैं, इन चीजों पे अगर जब तक बात नहीं करेंगे तब तक कैसा भी एक्शन प्लान बना लें, हम लोग जो है इस हिमालय को नहीं बचा सकते। उसी तरह से एक जो दूसरा अंतर विरोध है जो मैं आपसे कह रहा था अमरीकी स्वर्ग के बारे में, वो बाजारवाद के बारे में भी अंधविश्वास है। इस बार जो अब 12वां योजना बन रही है उसका अप्रोच डॉक्यूमेंट लिखें, देखें, उसमें जल, जंगल, जमीन, वन, इन सब के बारे में जो कहा गया है वो देखने लायक है, वो बहुत ईमानदार दस्तावेज है, और अगर उसके हिसाब से योजना बनेगी तो हमारे पास एक ही सुंदरलाल बहुगुना है, लेकिन 100 सुंदरलाल बहुगुना होंगे तो भी देश और हिमालय नहीं बचने वाला है। अगर इस योजना में जो दृष्टि पत्र में कहा गया उसमें कहा गया है कि पर्यावरण will protect the environment in a manner so that it caters to the growth, goals of growth, यानी पर्यावरण की रक्षा नहीं करनी है, पर्यावरण की इस ढंग से रक्षा करनी है कि वो बाजार अनुकूल हो जाए। शुरू में जब 91 में ये नीतियां शुरू हुई थी तो लगता था कि हमारे लोकतंत्र को कॉर्पोरेट अनुकूल बना रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपेटेबल बना रहे हैं, लेकिन इस बार के दृष्टि पत्र में साफ कह दिया गया है कि ये कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड होगा। ये इन शब्दों में नहीं कहा गया है, लेकिन उसका पूरा आप मजमून पढ़ लीजिए, उसमें एकदम शुरू में ही परिचय में कह दिया गया है दृष्टि पत्र में
कि विकास जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही कर सकता है, और हर चीज को जल जंगल जमीन नदी सबको प्राइवेट सेक्टर के अनुकूल कर देना है, ये उसमें स्पष्टता से कह दिया गया है। तो अगर नियोजन हम ऐसा करते रहेंगे और उसी पार्टी के नियोजनकर्ता एक बात लिख रहे हैं और उसी पार्टी के जो हिमालय के सांसद आपके सामने सुबह बोलते गए, मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों सांसद जो हैं सत्तारूढ़ पार्टियों वाले हैं। सिक्किम के सांसद पीडी राय जी ने जिस विद्वता और सफाई से बात की, प्रदीप टंडा जी ने जिस साफ़गोई से बात की, जैसे वो पहले हम लोगों के बीच आंदोलन समूहों में इन सवालों को उठाते थे, वैसे ही उसी पीड़ा से उसी संवेदना से और उसी साफ़गोई से आज भी वो बात कर रहे थे। तो एक तरफ व्यवस्था है जिसकी बहुत स्पष्ट दृष्टि है कि उसको अमेरिकी उपभोक्तावादी स्वर्ग लाना है, उसको कॉर्पोरेशंस के माध्यम से देश में ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, और दूसरी तरफ हमारे पीटी राय हैं, प्रदीप टंडा हैं और हमारे जैसे लोग हैं जो सत्ता के गलियारे से दूर हैं, चाहे अपने चाहने के कारण दूर हों, चाहे सत्ता का चरित्र ऐसा हो गया है कि उसकी ओर देखने का या उसकी ओर कुछ सोचने का मन नहीं करता। ये जो द्वैत है इसके बारे में इस तरह के जो हमारे सभा सम्मेलन है उस भर में कोई रास्ता मिलेगा इसके बारे में मेरा संशय है। मैं इसके आयोजन में जरूर शामिल हूँ एक कार्यकर्ता के नाते, लेकिन मुझे लगता है कि इन कामों को एक आपस में गहरी दृष्टि बनाने के लिए जो पूरी दुनिया के सामने डेवलपमेंट डायलेमास हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनके बारे में अगर हम अपने ईमानदार बहस नहीं करेंगे आपस में, तो हिमालय को बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना, क्लाइमेट क्राइसिस की चुनौती से निपटना, ये बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूँ अपने तमाम सह आयोजक साथियों से कि ऐसी गोष्ठियां और सम्मेलनों के साथ साथ हम अपना सामूहिक स्वाध्याय और चिंतन का कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाएं ताकि देश के सामने एक वैकल्पिक विकास की स्पष्ट तस्वीर दे सकें कि हिमालय की रक्षा इन कदमों से होगी, और उसमें आदर्श की और अंतिम लक्ष्य की बात की बजाय आज जो परिस्थिति है उसमें पहले दो तीन कदम क्या होंगे उस पे एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की कोशिश करें, विचारधाराओं पार्टियों संगठनों वर्गों से ऊपर उठ के, क्योंकि ये सवाल पूरी सृष्टि का और सृष्टि पे जीवन का है, ये मानव मात्र और राष्ट्र के दायरों से भी बड़ा सवाल है। हिमालय को बचाना, हिमालय एक प्रतीक है, इसका अर्थ पूरी सृष्टि और पूरा हमारा परिवेश है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मेरे स्टेट में जगह कोई जगह होती है जिनको हम सेक्रेट ग्रोव्स मानते हैं, ये वैसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी आदमी जाके उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता, वहाँ पे कोई भी जानवरों को नहीं मार सकता या उनके जो लीव्स हो या प्लांट्स हो उनको छू नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से एक ये फिलॉसफी हमारे ट्राइब्स के बीच में है कि हम कोई जगहों को ऐसे सेक्रेट रखेंगे कि हम वहाँ पे कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन ना करें। मेरे ख्याल से द कॉन्सेप्ट ऑफ हिमालयन में भी एक उसका एक बहुत ही बड़ा एक मैग्नीट्यूड हो सकता है कि हिमालयन एक ऐसा रीजन है जो इतना सेक्रेट है कि हम जितनी कोशिश कर सके कि हम उसे प्रिजर्व या कंजर्व कर पाए। तो एक अपनी एक्सपीरियंस में मैं ये एक सिमिलैरिटी ड्रॉ कर पा सकती हूँ। मेरे ख्याल से हिमालय एक बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रीजन है। अगर आप इंडिया के एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में देखेंगे 1973 के करीब या 1970s में जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो हिमालय में स्टार्ट हुआ था, और वो ही इंडिया का एनवायरमेंटल मूवमेंट डिफाइन करता है। तो आज पॉलिसी मेकिंग लेवल पे या जो भी लेवल पे अगर आप देखेंगे, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि आज हम पॉलिसी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन
हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहले लोग जो थे जो एनवायरनमेंट के बारे में सेंसिटिव हुए थे या एनवायरनमेंट के बारे में कॉन्शियस हुए थे भारत में, वो हिमालयन रीजन के लोग थे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक बात है जो हमें हिमालय के बारे में या हिमालय के लोगों के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों हमारे हमारे साथ जो अभी मौजूद अनिल जोशी जी हैं, उन्होंने एमपीज के बारे में भी कहा था और उन्होंने मुझे भी ये काफ़ी टाइम तक बोला है कि हम पार्लियामेंटेरियंस होकर कैसे हिमालय के बारे में बात कर सकते हैं या हिमालय के बारे में डिबेट शुरू कर सकते हैं या पार्लियामेंट में लोगों को हम सेंसिटाइज कर सकते हैं। एक्चुअली लास्ट ईयर हमने ग्रुप ऑफ एमपीज ने एक फोरम लॉन्च किया था जो हिमालयन रीजन के जो एमपीज हैं वो एक फोरम हमने बनाया था, द एमपीज ऑफ द हिमालयन रीजन फोरम। लेकिन सैडली एक ही मीटिंग हमारी हुई है आज तक और इस सेशन में भी हमने इस मीटिंग को हम लागू नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से जोशी जी ने हमें एक साल का समय दिया है, मेरी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हमारा फोरम ज़्यादा एक्टिव हो पाए और हम अपनी ओर से एक अवेयरनेस जनरेट कर पाए। वो कह रहे थे कि हिमालय जैसे जो इश्यूज है शायद सेंटर में इतना वो अटेंशन नहीं देते, जैसे कि अभी अभी आपने भी देखा है अन्ना हजारे का एक एपिसोड आया था जहाँ पे पूरी भारत सॉलिडारिटी में अन्ना हजारे के साथ खड़ी हुई थी। शायद वो मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसपे लोग सॉलिडारिटी दिखाते हैं और इन सॉलिडारिटी जो करप्शन पे शायद एक रिग्रेट है लोगों के माइंड में और इसीलिए शायद अन्ना हजारे जी का जो मूवमेंट था शायद उन्होंने पूरा एक नेशनल एक मूवमेंट का शेप दिया था। मेरा ये मानना है कि जैसे कि मेरे रीजन में एक लड़की है उसका नाम है इरोम शर्मिला, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग उन्हें जानते होंगे या काफ़ी जानते भी ना होंगे। उन्होंने 11 साल फास्ट किया है एक एक्ट को रिपील करने के नाम पे, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। 11 साल दोस्तों ये कोई कम समय नहीं है, 11 साल उन्होंने कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया लेकिन आज भी उनका जो एक स्ट्रगल है वो एक अकेला सा स्ट्रगल है। आज भी वो हॉस्पिटल में है, शी इज फॉल्सली फेड, शी इज फॉल्सली बीइंग गिवन थ्रू हर नोज शी इज बीइंग फेड, लेकिन आज तक जो उनका स्ट्रगल है उसको शायद वो कंक्लूजन नहीं मिला जो अन्ना हजारे जी को 11 या 12 दिन में मिल गया। ये इसीलिए है क्योंकि जो उन्होंने मूवमेंट क्रिएट किया है शायद सेंटर में वो इम्पैक्ट नहीं दे पाया जैसे अन्ना हजारे का मूवमेंट एक इम्पैक्ट दे पाया है। तो मेरे ख्याल से अगर हम कोई इश्यू को लेके आना चाहें, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो इरोम शर्मिला का कॉज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज है। ये एक्ट आज काफ़ी मणिपुर में अगर आप देखेंगे कि काफ़ी लोग इस एक्ट की वजह से एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन फेस करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो अन्ना हजारे जी का मूवमेंट है और इरोम शर्मिला जी का मूवमेंट है उन दोनों का मूवमेंट इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक आदमी शायद बिकॉज ऑफ द नेशनल फिगर दैट ही हैज बीन एबल टू क्रिएट हिज मूवमेंट हैज अपीयर टू बी मोर सक्सेसफुल देन मे बी इरोम शर्मिला बिकॉज शी हैपेंस टू बी इन अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लेफ्ट साइड एंड नॉट यू नो विद इन द परव्यू ऑफ मीडियाज अटेंशन। द ओनली रीजन व्हाई आई एम ड्रॉइंग दिस सिमिलैरिटी ऑफ इंक्लूजन इज सिमिलर टू दिस यू नो हिमालयन डे द इशूज ऑफ हिमालय, शायद ये जो इश्यूज हैं हम इन्हें फोरफ्रंट में आज तक लेके नहीं आ पाए इवन दो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो द नेशन एंड इनफैक्ट ऑल पीपल एज अ होल शुड पे इक्वल अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ हिमालय द लाइवलीहुड्स ऑफ पीपल हु लिव एंड डिपेंड ऑन द हिमालय रीजन। सो आई थिंक देर इज अ वेरी बिग नीड फॉर अस टू
create a bigger revolution when it comes to the Himalayan region. And आज की हिमालयन डे को सेलिब्रेट करने के बाद और जो जो रिपोर्ट मुझे कंपाइलेशन जो मुझे अनिल जोशी जी ने दी थी उसमें मैंने काफ़ी सारा देखा है कि न्यूज़पेपर्स में कवरेज हुए हैं काफ़ी स्टेट्स इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय डे को माना जा रहा है. तो मेरे ख्याल से अगर हम एक एक ब्रांड या एक मूवमेंट ऐसा क्रिएट कर पाए इस मूवमेंट को हम मीडिया के थ्रू या लोगों के थ्रू अगर हम इनको बड़ा कर पाए तो इन इश्यूज को हम ज़्यादा नज़दीकी से देख पाएंगे और इसका कोई अच्छा सा हम कंक्लूजन या रिजल्ट देख पाएंगे. दोस्तों जो मेरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हम प्राइमरीली आप जानते हैं रूरल एरियाज को देखते हैं और हमारी मिनिस्ट्री स्पेसिफिकली उन एरियाज को देखती है जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो कम हो. शायद मेरी मिनिस्ट्री के थ्रू हम रेगुलर स्कीम्स को ही वहाँ तक लेके जा सकते हैं जैसे PMGSY है जो रूरल कनेक्टिविटी के लिए होता है या रूरल हाउसिंग का जो स्कीम होता है या रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का स्कीम हो सकता है. लेकिन मेरे ख्याल से एक मेरी मिनिस्ट्री का जो नया स्कीम है उसका नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ये स्कीम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्कीम है जिसको हम हिमालयन रीजन में फोकस कर सकते हैं. मैं एक किताब पढ़ रही थी जो रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है अबाउट हाउ मच शुड वन पर्सन कंज्यूम. उसमें एक उन्होंने एनालॉजी ड्रॉ किया है अबाउट द डिफरेंस इन द एनवायरमेंटल मूवमेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड द डिफरेंस इन द एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया. नॉर्थ अमेरिका या वेस्टर्न रीजन में एनवायरमेंटल मूवमेंट स्पेसिफिकली इस फिलॉसफी पे डिपेंड करती है कि नेचर को एक राइट होता है कि वो अपने लिए सर्वाइव करे. नो इट हैज द राइट टू बी हेल्दी फॉर इटसेल्फ. तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ड्रॉ किए जहाँ पे एक बड़े बड़े नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं और इन नेशनल पार्क्स में काफ़ी एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है. नेचुरल जो एनिमल्स होते हैं नेचुरल जो फौरा फ्लोरा होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है. तो अमेरिका का एक जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा नेचर सेंट्रिक होता है वेर एज इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है हम बहुत एंथ्रोपोसेंट्रिक होके इसे देखते हैं और हम इन्वायरमेंट को हमेशा लोगों के साथ जोड़ते हैं लोगों की लाइवलीहुड के साथ जोड़ते हैं. तो हिमालयन रीजन को भी अगर हमें प्रोटेक्ट करना हो या हिमालयन रीजन को अगर हमें देखना हो तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको इस प्रोटेक्शन में हिमालय के जो लोग हैं जो हिमालयस में रहते हैं उनके जो लाइवलीहुड्स हिमालय रीजन में डिपेंड करते हैं हम उन लोगों को इन्वॉल्व करें. तो मेरी एक यही सजेशन है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के थ्रू हम हिमालयन रीजन में सस्टेनेबल जॉब्स क्रिएट कर पाए ग्रीन जॉब्स क्रिएट कर पाए. और मुझे लगता है कि बहुत ये एक सक्सेसफुल स्कीम हो सकता है जिसके थ्रू हम एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन एंड लाइवलीहुड्स हम ना लाए इनफैक्ट हम दोनों को एक साथ मिलके एक मूवमेंट क्रिएट कर पाएंगे जहाँ पे वी लर्न टू लिव इन हार्मनी रादर देन इन कॉन्फ्लिक्ट. इनफैक्ट मिस्टर अनिल जोशी जी के साथ मेरा एक और एसोसिएशन है कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन एस्को है उसमें मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से ऑलमोस्ट 30 लोगों को भेजा था ताकि वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर पाए और लाइवलीहुड्स जो रेगुलर जो रूरल एरियाज में लाइवलीहुड हो उनको वो एक्सप्लोर कर पाए. तो आज जोशी जी के साथ कोलैबोरेट करके और मेरा MP लैब यूज करके मैंने काफ़ी सारे सेंटर्स सेटअप करने की कोशिश की है जिसमें हम रूरल लाइवलीहुड्स को एक्सप्लोर करेंगे और ये रूरल लाइवलीहुड्स बहुत ही सस्टेनेबल होती है विदाउट कंफ्लिक्टिंग नेचर. एंड जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमने क्रिएट करने की कोशिश की है वो जनरली फॉरेस्ट ड्वेलर्स सेंट्रिक है कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि मेरे रीजन में जैक फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है आंवला बहुत ज़्यादा है और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर जस्ट
you know, left and they just decompose and often are unused by humans. Whereas those products can actually be processed because anyway they are going to waste. So they will be processed and the rural people can earn some kind of livelihoods out of that. So mere khayal se ye ek bahut hi important initiative hai aur ye mera bahut hi important ek contribution mere apne constituency ke liye hai. To dosto main zyada samay nahi lena chahti. Aaj maine puri koshish ki hai ki jin jin baaton ko main kehna chahti thi aap logo ko main use point wise aapko keh paun. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज इस अच्छे दिन में हिमालयन डे के दिन में आज आप लोगों के साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. और अनिल जोशी जी कह रहे थे कि ये क्लाइमेट चेंज का एक असर है कि आज इतनी बारिश हुई और हम शायद काफ़ी लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ बेनिफिट्स थी क्लाइमेट चेंज का क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही थी और आज बारिश की वजह से थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है. तो इन शब्दों को कह के आप सभी को मैं यहाँ पे मौजूद होने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी हिमालयन डे. जय हिंद. रोगणा जी, मैं तो सुनने के लिए आया था, दो तीन चीज़ें हैं. तो रोगणा जी के साथ काफ़ी काम किया है सर्वोदय आंदोलन ने, तो मैं इस तरह के आंदोलनों की कमियां और जरूरतियां जानता हूँ. थोड़ी सी 40 साल से मीडिया में काम कर रहा हूँ. अगलता जी ने एक बात कही बहुत अच्छी, एक सब्जेक्ट सबको दिया है कि अन्ना का आंदोलन क्यों सफल हुआ और लोग शर्मिला की बात देशव्यापी क्यों नहीं बन पाई. इस पर थोड़ा विचार भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं और हिमालय को उससे जोड़ भी सकते हैं. इरोम जी का जो आंदोलन है, मैं खुद मणिपुर जाके देख के आया हूं. सारी चीज है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की जो त्रासदी है उसको देश की त्रासदी हम नहीं बना पाए. उसका कारण यह है कि कुछ स्पेशल एरियाज में वो लागू है और कुछ सशस्त्र बलों के अधिकारों से संबंधित है और भ्रष्टाचार पूरे देश की समस्या है. इसके कारण वो देश की नब्ज बन गया और अन्ना उसके प्रतीक बन गए. कोई भी आंदोलन जो एक क्षेत्र विशेष का है वो पूरे देश का कैसे बन जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है. हिमालय के साथ, हिमालय के आंदोलन के साथ भी ये बड़ी चुनौती है. जब ये आए थे घर पे तो मैंने इनसे कहा था कि हिमालय के बारे में हमारी जो समझ है देश की या मीडिया की, वो एक पर्यटन के स्थल ग्लॉसी पेपर पर हिमालय के सुंदर रंग बिरंगे फोटोग्राफ्स, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में किस चोटी पर कौन पर्वतारोही कब चढ़ा और नहीं चढ़ा, और हिमालय को लेकर एक स्वाभिमान का जो जज्बा हमारे यहाँ जगाया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, कि कविताओं में, कहानियों में, किस्सों में कि उच्च हिमालय पर्वतराज खड़ा पहनकर इनका ताज, इससे आगे कभी बढ़ नहीं पाया है. अनिल जी ने कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए. मेरा कहना है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस देश में कुछ नहीं कर सकते. अन्ना अगर कोशिश करते कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इन्वॉल्व करते अपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में, तो वो संसद भवन के गलियारों में तड़पता हुआ अपनी जान दे देता. जब तक कोई भी आंदोलन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रोजी रोटी से नहीं जुड़ेगा, रोटी जो रोजी रोटी का मतलब आप समझते हैं कि वो फिर से चुनकर जा सकें और अपनी कुर्सियों पर बैठ सकें, तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा.
अन्ना के आंदोलन ने यह बताया है कि अब लॉबिंग करने से काम नहीं चलेगा, अब सड़कों पर लोगों को उतरना पड़ेगा। अनिल जी लॉबिंग की बात कर रहे हैं कि राजनेताओं संसद सदस्यों के बीच में लॉबिंग होना चाहिए। मेरा कहना है कि लॉबिंग का जमाना चला गया। लॉबिंग का जमाना कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी खत्म हो गया जब से वो टेप उजागर हुए हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जेलों के पीछे पहुंचे हैं, अब उनके लिए भी बहुत दिक्कत हो गई है। हिमालय की आत्मा को आप देश के मृत शरीर में कैसे पहुंचा सकते हैं, ये चुनौती है। और उस चुनौती में मीडिया, आगाता जी ने मीडिया का भी नाम लिया, आज मीडिया में हिमालय के लिए कोई जगह नहीं है, वो जगह कैसे पैदा कर सकते हैं, ये बड़ी चुनौती है। मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता हूं, मैं तो एक छोटा सा निवेदन है, देश के बच्चों के बीच अनिल जी कोई ऐसी पुस्तिका विभिन्न भाषाओं में बंटवा सके तैयार करके, जो उनको हिमालय का वास्तविक दर्शन करवा सके, हिमालय के साथ उनकी आत्मा को जोड़ सके और वो हिमालय के प्रति चेतनाशील हो जाए और हिमालय का घर घर में प्रवेश हो जाए जैसे कि गंगा जल का होता है। तो मेरे ख्याल से हिमालय दिवस की शुरुआत वहां से होगी। लोगों के बीच में हिमालय को लेकर आज कोई जिज्ञासा नहीं है। सुंदरलाल जी ने वर्षों तक चिपको आंदोलन चलाया, हम लोगों ने सपोर्ट किया, मैं सरसेवा संघ में तब काम करता था। टिहरी बांध को लेकर उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, वो आंदोलन के आदमी हैं और सुंदरलाल जी बहुत बता सकते हैं कि हिमालय की क्या समस्याएं हैं, हिमालय को एक आंदोलन में कैसे बदला जा सकता है। मैं तो केवल मीडिया का आदमी हूं और लिखने पढ़ने से मेरा ताल्लुक है, कभी आप अवसर देंगे तो मैं आपके साथ बैठ के बात करूंगा कि इसमें मीडिया की भागीदारी कितनी जरूरी है और कैसे की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हिमालय का जो संकट है वो अकेला हिमालय का तो है नहीं, देश के विभिन्न प्राकृतिक समृद्ध क्षेत्र, वो सारे के सारे क्षेत्र आज अटैक पर है, टारगेट पर है। और जितने भी प्राकृतिक समृद्ध क्षेत्र हैं, वही झगड़े का क्षेत्र है। जहां जहां जंगल है, प्राकृतिक संसाधन है, वही वही झगड़ा है और वही वही हमारी सरकारें और हमारा समाज, सरकारों को समाज का समर्थन है, वो उन क्षेत्रों को आतंकवाद घोषित, आतंकवाद से ग्रस्त क्षेत्र कहकर वहां पर हमारी फौजों को भेज रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए उन क्षेत्रों पर हमला हो रहा है। हम जो भारत के लोग हैं, अभी यहां बात हो रही थी कि हिमालय का दर्द कैसे सबका दर्द बने, हम जो भारत के लोग हैं, हम लोग भारत के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसका कोई भी दर्द हमारा दर्द नहीं है। कोंकण क्षेत्र में परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है और कोंकण को फुकुशिमा की तरह ब्लास्ट करने का पूरा योजना बन रही है, हम जो भारत के बाकी क्षेत्रों के लोग हैं हमको कोई चिंता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ का जिसको एमेजोन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो हमारा सांस दे रहा है, जो हमें हवा दे रहा है, उस छत्तीसगढ़ को बिल्कुल वहां के जंगल को नष्ट करके वहां के मिनरल्स को विदेशी फैक्ट्रियों में कौड़ियों के मोल बेचने के समझौते हो गए हैं और वहां के आदिवासियों की हत्याएं की जा रही हैं, वहां एक भयंकर युद्ध जारी है, हिंदुस्तान के लोगों को कुछ पढ़ाई नहीं है। इसी तरीके से हिमालय बर्बाद होता है तो हो जाए, हमको नहीं पढ़ा है। हम आजाद होने के बाद जो एक भारतीय चिंतन होना चाहिए कि ये देश मेरा है,
इस देश के विभिन्न क्षेत्रों का अगर ये बर्बाद हो गए तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा, ये समझ हमारी अभी तक बनी नहीं है। और हमारे ये क्षेत्र क्या बर्बाद हो गए, हम तो ये मानते हैं कि ये सारी चीजें हमारे सुख सुविधा और हमारे अमीरी बढ़ाने के लिए है, प्रकृति हमारी अमीरी बढ़ाने के लिए है। और बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हम इस चीज को लेते रहे। अभी मैं पढ़ रहा था कि यहाँ नैनीताल के पास जो जंगल है उसमें एक जब हाथी कम हुए और हाथियों का जो लीड थी वो कम हुई और उसमें रहने वाला कीड़ा खत्म हुआ तो चिड़िया मर गई, इस चिड़िया की पूरी प्रजाति नष्ट हो गई। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी प्रकृति में पता नहीं कभी क्या चीज खत्म हो जाए कि इंसान खत्म हो जाए। हम इस बात को मानते ही नहीं है कि हमारा अस्तित्व इस प्रकृति से इतनी अभिन्न तरीके से जुड़ा है कि पता नहीं क्या चीज कब खत्म हो जाए और हम सारे के सारे मर जाए। लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल जो है कि आखिर ये देश और इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का मालिक कौन है और इन प्राकृतिक संसाधनों को कैसे दोहन किया जाए, इसके बारे में फैसला लेने का अधिकार किसको है। बस्तर के जंगलों का दोहन कैसे हो इसका फैसला लेने का अधिकार बस्तर के आदिवासी को है या नहीं है। हिमालय का के पानी, हिमालय का जंगल, हिमालय के पहाड़ का कैसे दोहन होगा इसका फैसला लेने का अधिकार हिमालय में रहने वाले लोगों को है या नहीं है, या इसका फैसला वो विदेशों में बैठे हुए बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग लेंगे जिनके जेब में पैसा है और वो ये फैसला लेंगे कि मुझे हिमालय में मुझे इतनी बिजली चाहिए इसलिए बिजली का लगाइए, हिमालय के लोग जाए भागे। तो जिसकी जेब में पैसा है वो आपके बस्तर का भी मालिक है, वो आपके हिमालय का भी मालिक है, वो आपके गोंडा का भी मालिक है। और जिनकी जेब में पैसा है वो इस देश दुनिया के बड़े बड़े जो पूंजीपति और कॉरपोरेशंस हैं उनकी जेब में है, वो मालिक है आपके हिमालय के, आपके बस्तर के, आपके कोंकण के। तो ये जो नव उदारवाद और नव नया विकास का कंसेप्ट है और हम सबका आदर्श वही है, अभी जो विजय प्रताप जी कह रहे हमारा आदर्श यही है कि ऐसे विकसित हो जाए जैसे अमेरिका विकसित हुआ है। भाई अमेरिका और ब्रिटेन ने तो अपने इस विकास के मॉडल को बरकरार रखने के लिए दुनिया के ऊपर हमला किया। महात्मा गांधी ने आजादी के वक्त कहा था कि मैं चाहता हूं कि अंग्रेज भले रह जाए, अंग्रेजियत चली जाए। अब यह अंग्रेजियत से गांधी जी का कहा और नेहरू ने यह माना था कि अंग्रेजियत भले रह जाए अंग्रेज चले जाए क्योंकि सत्ता चाहिए थी। अब गांधी की परिकल्पना क्या थी, अंग्रेजियत चले जाने की। अंग्रेजियत से उनका मतलब था अंग्रेजों का जो विकास का मॉडल है वो विकास का मॉडल है कि दूसरे लोग मेरे लिए काम करें, दूसरे लोग श्रम करें और मैं आराम से बैठ के खाऊंगा। आज जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो लोग हैं जो आराम से बैठ के खाते हैं और जितने भी मेहनत करने वाले हैं वो सारे गरीब हैं। ये जो आर्थिक व्यवस्था है कि मेहनत करने वाला गरीब रहेगा और आराम से बैठने वाला अमीर होगा, ये अंग्रेजी विकास का मॉडल है। तो महात्मा गांधी ने कहा ये शैतानी मॉडल है, ये मॉडल हमें नहीं चाहिए, इसलिए ये सिस्टम जाना चाहिए। क्योंकि इस सिस्टम में से दो चीजें निकलती हैं। गांधी ने कहा कि अंग्रेज अपने इस विकास को मेंटेन करने के लिए फौज रखते थे हमेशा। एक अंग्रेज ने कहा है कि ये तो सच है कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन ये भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता, लगातार युद्ध करते रहे वो।
इस विकास को बरकरार रखने के लिए आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। अब अंग्रेज तो दुनिया के गरीब देशों पर हमला करते थे, वहां का कच्चा माल लूटते थे, वहां के बाजारों पर कब्जा करते थे। हम भारत में अगर वही विकास का मॉडल लागू करेंगे तो हम किसके ऊपर हमला करेंगे? हम अपने लोगों पर हमला करेंगे। और वहां कम है, जहां जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आज हमला उन्हीं लोगों पर है, उन्हीं क्षेत्रों में है, कॉन्फ्लिक्ट वही है। और गांधी ने यही कहा था, ये जो विकास का मॉडल है इसमें से दो चीजें निकलेंगी। एक निकलेगा युद्ध, क्योंकि तुम दूसरों के संसाधन छीनोगे, उसमें से कॉन्फ्लिक्ट निकलेगा, और कॉन्फ्लिक्ट में से निकलेगा युद्ध। तो तुम्हारा ये विकास का मॉडल तुम्हें युद्ध की तरफ ले जाएगा। और दूसरा निकलेगा पर्यावरण का विनाश, और इन दोनों से तुम्हारा ये मानव जाति नष्ट होने का खतरा है। इसलिए वो कहते थे ये विकास का मॉडल जाना चाहिए, पर हमने वही अपना लिया, वही हमारा आदर्श है। और इस विकास के मॉडल के चलते हुए अगर हम कल्पना कर रहे हैं हम हिमालय को बचा लेंगे, हम बस्तर को बचा लेंगे, हम नहीं बचा पाएंगे। ये हमारे इस लालच की भेंट चढ़ेगा। अभी 10 मिनट बाकी के लंच में हमारे साथ जो हिमालय